हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मेरी ढेर सारी दुआएं हमेशा ही आप सब लोगों के साथ हैं। तो आइए नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हम अपने हस्बैंड के साथ गए थे आउटिंग पर कुल्फ़ी वगैरह खाने के लिए, और मुझे कुछ मार्केटिंग भी करनी थी, कुछ शॉपिंग करनी थी। तो हम गए थे पास के ही मार्केट, नखास मार्केट, और इस मार्केट को कई ब्लॉग्स में हम दिखा भी चुके हैं अपने। तो गाइस, आज मॉर्निंग में हमारे स्कूल में फंक्शन था, और वो फंक्शन था समर कैंप के एंडिंग का। काफ़ी दिनों से समर कैंप चल रहे थे, तो उसका अब एंड हो गया है, स्कूल खुलने वाले हैं। तो उसमें ताइक्वांडो, स्विमिंग और टेबल टेनिस वगैरह ये सब थे, तो इसका ही फंक्शन था। तो स्कूल की क्लिप वैसे तो हम डालते नहीं हैं, इसलिए हमने सिर्फ अपना ही वीडियो जो है वो छोटा सा डाला है। और ये लखनऊ की सबसे सस्ती मार्केट्स में से एक है, और यहाँ पर बहुत सस्ता सामान मिलता है। एक्चुअली मुझे नखास मार्केट में कुछ खास काम नहीं था, मुझे मेन काम था यहियागंज मार्केट में। और ये मार्केट जो है नखास मार्केट से बिल्कुल सटी हुई है, और ये होलसेल की एक बहुत बड़ी मार्केट है, और यहीं पर यहियागंज में ही मुझे काम था। तो आइए आपको वहीं ले चलते हैं सीधे यहियागंज मार्केट में, और यहीं से स्टार्ट होती है यहियागंज मार्केट, और ये होलसेल मार्केट है। यहाँ पर सामान 3 पीस या 6 पीस या 12 पीस में मिलता है, और रेट बहुत सस्ते होते हैं, क्योंकि होलसेल के रेट होते हैं तो इसलिए रेट सस्ते होते हैं। तो हम लोग को कुछ भी लेना होता है घरेलू ज़रूरत का सामान, तो हम लोग यहीं होलसेल से ले लेते हैं, 3 पीस या 6 पीस लेके रख लेते हैं, और रोज़ रोज़ ये सब चीज़ें जो हैं वो लेना भी नहीं पड़ती हैं, और सस्ता भी पड़ जाता है। तो ये वो मार्केट है जिसको हम यही जगन मार्केट कहते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर बर्तनों का बहुत बड़ा बिजनेस है, यहाँ पर तांबे के बर्तन और अल्मुनियम के बर्तन, स्टील के बर्तन, ये सारे बर्तन यहाँ पर मिलते हैं। शादियों के सीज़न के टाइम पर यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। और उसके अलावा इस होलसेल मार्केट का पूरा वीडियो कभी और किसी व्लॉग में दिखाएंगे पूरा, क्योंकि आज तो मुझे जल्दी थी, तो जल्दी जल्दी अपना काम निपटा कर हम आ गए थे वापस। तो गाइज, वापस से हम नखास पर आ गए हैं, और इसी रोड से अकबरी गेट होते हुए मुझे अपने घर वापस जाना है। तो एक दो सामान थे जो यहाँ से भी मुझे लेने थे, वो मैंने ले लिए थे पहले ही जाने के टाइम पर ही। और अब अकबरी गेट होते हुए हम अपने घर की तरफ चल दिए थे। तो गाइज, रात का 9:30 बजा था, और दुकानें सारी खुली हुई हैं देखिए, और हालांकि सन्नाटा था मार्केट में, लेकिन शॉप जो थी वो खुली हुई थी, और रास्ते से मैंने सब्ज़ी भी ली थी। तो गाइज, ये मेरा छोटा सा रूटीन था आज का। हालांकि आज आधे से ज़्यादा दिन स्कूल के फंक्शन में निकल गया था, और बाकी बचा हुआ टाइम वो मार्केट में स्पेंड हो गया था। तो इस तरह से ये अकबरी गेट वापस आ गए थे हम लोग, और नखास होते हुए घर वापस आना था हम सबको। तो घर वापस आने के बाद मैंने खाना लगवाया था, और खाने में मैं ज़्यादातर इंतज़ाम पहले से करके गई थी, सिर्फ रोटी बनाना थी, रोटी बना के मैंने खाना लगवाया बेटी से। तो गाइस, खाना खाने के बाद हम लोगों ने अनबॉक्सिंग की थी उस मोबाइल की, जो अभी हमने 2-3 दिन पहले लिया है, और जिसका हमने इसके पहले ब्लॉग में आपसे शेयर भी किया था। ये वो मोबाइल है जो हमने ख़रीदा है, और उसके साथ ही यहीं पर हम एंड करते हैं इस वीडियो को। और ये काफ़ी छोटा वीडियो रहा, लेकिन छोटा वीडियो या बड़ा बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो गाइज, मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।